नमस्कार दोस्तों, इंडिया में नौकरी शॉप में आपका स्वागत है। दो तीन चीजें। सबसे पहले सेलेस्ट्रॉन 2500 में जो बेस्ट रेट्स हो सकते हैं वो आपको इंडिया में नौकरी शॉप से मिलेंगे। ये जो बायनोकुलर्स हैं वो क्वालिटी टेस्ट होके चेक होके आपके पास शिप होंगे। इसको कैसे यूज करना है या कैसे ट्राइपॉड पे माउंट करना है वो कवर करेंगे, प्लस कुछ टेलीस्कोप्स पे हमने स्कीम्स निकाली हैं जो हम कैटलॉग के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू आपसे शेयर करेंगे। तो indiabinoculars.com या आप हमें अप्रोच करें नीचे लिखे हुए नंबर पे, तो वो कैटलॉग आपसे शेयर करेंगे। तीसरा, कुछ नए टेलीस्कोप सेलेस्ट्रॉन के आने वाले हैं हफ्ता 10 दिन के अंदर, और केसन के कुछ नए मॉडल्स आने वाले हैं। तो आप स्टे ट्यून टू अवर चैनल, हमारी वेबसाइट से, और हमसे रूबरू रहिए। सेलेस्ट्रॉन के जो मॉडल्स आने वाले हैं उसमें पावर सीकर सीरीज के 60, 70 और 114, 127 वाले आने वाले हैं। एस्ट्रो मास्टर सीरीज में एस्ट्रो मास्टर 70, एस्ट्रो मास्टर 130 और 130 EQ मोटर ड्राइव मॉडल, ये मॉडल आने वाले हैं, प्लस इंस्पायर 90 और 100mm रिफ्रैक्टर। तो ये कुछ सेलेस्ट्रॉन के नए मॉडल्स हैं जो आने वाले हैं। इसमें गो टू वाले मॉडल्स भी आएंगे, उसको आने में थोड़ा टाइम है, वो भी हम आपको बता देंगे एडवांस में। और केसन के काफी सारे नए मॉडल आने वाले हैं, 80, 90mm, 95mm, 120mm में कुछ सस्ते वाले रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप्स, और जो नॉर्मल 135, 120 और 160 और 135mm में भी डॉक्सोनियन टेलीस्कोप, प्लस उनके जो रिफ्रैक्टर्स हैं 80, 90mm और मक्सुटॉफ टेबल टॉप डिजाइन में जैसे ओराइन के आते हैं वो आने वाले हैं। तो आप हमारी वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिए। पावर सीकर टेलीस्कोप जो सेलेस्ट्रॉन के हैं, जैसा मैंने उस पर एक कंपैरिजन पे वीडियो बनाया था, जो इक्वेटोरियली माउंटेड टेलीस्कोप्स हैं पावर सीकर के, वो अंडर माउंटेड हैं, काफी पुरानी सीरीज हैं। जो उसका माउंट है इक्यू माउंट वाला, थोड़ा सा वो हल्की क्वालिटी का है। एस्ट्रो मास्टर जो है उससे काफी बेटर माउंट है, उसी वजह से हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसको किसी कस्टमर को देने के लिए, एडवाइस करने के लिए। और इसी तरह से जो पावर सीकर की सीरीज है एजेड सीरीज, हालांकि वो काफी पॉपुलर है, लेकिन उसके जो ट्राइपॉड्स है अगर कंपेयर किए जाए ओराइन से या मीड से या इवन स्काई वॉचर से, तो थोड़ी हल्की साइड पे है। प्लस उसमें जो 4mm आईपीस है उसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत नैरो है, और बार्लो जो है वो थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का है। इसके मुकाबले मीड में जैसे हमने बताया था, देख रहे हैं इसका फील्ड ऑफ व्यू, ये 4mm का आईपीस है और 62° का फील्ड ऑफ व्यू है, अब देख रहे हैं इसका। और अगर आप यही पावर सीकर में देखेंगे तो बहुत ही नैरो फील्ड ऑफ व्यू है, जिससे बिल्कुल भी आई रिलीफ आपको नहीं मिलेगा, कंफर्टेबल व्यूइंग नहीं होगी। सेलेस्ट्रॉन पे अगर आ जाए तो स्काई मास्टर बायनोकुलर्स जैसे ट्राइपॉड अडेप्टर इसमें आता है, और जो इसके ये आईपीसेस हैं आप देख रहे हैं, ये मेटल का इसमें रिंग है और ये इंडिविजुअल आईपीस फोकस है, तो हैंड होल्डेबल ये बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसे देख सकते हैं हाथ में पकड़ के, तो ये नहीं है। तो इसका यूज क्या है, लॉन्ग रेंज में अगर आपने देखना हो काफी दूर का, अगर आप हिली एरिया में है या सीनरीज है, ब्यूटीफुल फार्म्स हैं, तो लॉन्ग रेंज के लिए ये रिकमेंडेड है। मल्टी कोटेड बैक फोर में है और 100mm के दो इंडिविजुअल स्कोप्स हैं इसमें। तो जो बायनोकुलर है 25x into 100, इसमें सैटर्न के रिंग्स बहुत माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व हो जाएंगे जब आप इसको स्टेडिली किसी ट्राइपॉड पे डालेंगे। मिनिमम 25 मीटर एंड अबव ये फोकस करेंगे, इन्फिनिटी तक, दूर तक। इससे आप स्टार गेजिंग कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी कर सकते हैं, लॉन्ग रेंज टेरेस्ट्रियल वॉच कर सकते हैं, लेकिन 25 मीटर से पहले की चीजें ये फोकस नहीं करेगा। हैंड होल्डेबल नहीं है, तो आपको ट्राइपॉड एक लेना पड़ेगा। 1000, 1500 या 2000 वाले जो ट्राइपॉड है वो बिल्कुल इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मजबूत ट्राइपॉड कम से कम 7 से 10, 12 हजार का, जितना हैवी ड्यूटी हो उतना इसके लिए बेटर है, क्योंकि 4 किलो का इसका वेट है और इसमें 15mm आई रिलीफ है, और जो एरिया दिखाता है 1000 मीटर पे करीब 52 मीटर का ये एरिया कवर करता है। इसका जो बैग है वो इस तरीके से आता है, मतलब तो अच्छा स्टडी बैग है। इसके अंदर भी कुशनिंग है, अगर हम नजर मारें तरीके से अंदर की एक्स्ट्रा कुशनिंग है। अरे यहाँ पे जब भी हम बायनोकुलर्स भेजते हैं पहले तो चेक करते हैं, क्यूसी करते हैं कि इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अमूमन जो ऑनलाइन ऑर्डर लोग लगाते हैं ऑनलाइन साइट्स पे वो चेक नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ इसको चेक करते हैं और इसको अंदर से स्टफ करते हैं और बाहर से पैक करके फिर हम लोग इसको भेजते हैं। इस तरीके से ये बॉक्स में आता है, आप देखते हैं कि ट्राइपॉड पे ये कैसे लगता है।
gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. Now once you finally get it. अब इसको बैलेंस कर सकते हैं, इसमें ये ऊपर एडजस्टमेंट स्क्रू है, तो इसको आप खोलेंगे तो आगे पीछे कर सकते हैं बाइनोकुलर को, क्योंकि आगे ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी हैवी हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा इसको थोड़ा बीच में आप लगा लें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसका जो लॉक है मैं उसको अब निकाल देता हूँ और इसको देखता हूँ, ना ही आगे की तरफ जा रहे हैं ना पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो ये बैलेंस हो गए। तो आप किसी भी डायरेक्शन में देख रहे हैं तो आप इसे लॉक भी कर सकते हैं, जस्ट टू इंश्योर कि ये फर्दर डिविएट ना हो अपनी डायरेक्शन से। और जब आपको ऊपर देखना हो बिल्कुल, तो आप इसका ये जो बीच का सेंटर कॉलम है इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक ला सकते हैं। इस तरीके से पूरा 90 डिग्री, तो आप को या तो झुक सकते हैं या फिर एक बड़ा स्टूल लेके आप बैठ सकते हैं और आराम से पूरा स्टार गेजिंग कर सकते हैं। स्कीम्स हमने तैयार किए हैं इंटरेस्टिंग, तो indiabinocularshop.com या हमारे से आप कैटलॉग मंगा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए और नया मटेरियल जो सेलेस्ट्रॉन का आने वाला है केसन का, उससे भी आप रूबरू रहिए चैनल से, वो डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक्स।